तो भाई साहब यहाँ पे अपने दोलल भैया गुटे हुए हैं धान का बीज उपचार करने के लिए। और ये धान है भाई साहब पूसा की 1979, जिस पर लिखा है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एमाजेथ हाइपर खरपतवार नाशक सहनशील धान। मात्र ये 8 किलो बीज है। इस 8 किलो बीज को लगभग हम एकड़ से थोड़े से कम जंगल में ट्रायल के हिसाब से बुआई करके देख रहे हैं भाई साहब, वो भी सिडल से। और ये बीज उपचार किया है हमने नामी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन से, है ना। इसके अंदर एजाक्सी क्लोस्ट्रोबिन थायोमेथाक्साम और थायोफेनेट मिथाइल है ना गौतम, थायोफेनेट मिथाइल है, दिखा तो नहीं मैंने अंदाज से ही बोल दिया, अपना कास्केट वाला कंटेन है इसके अंदर। तो भाई साहब आज 24 जून को हम धान की बुआई कर रहे हैं और यहाँ पर टिल्लू भैया मिला रहे हैं सोयाबीन में कीटनाशक, इसका भी एक अलग वीडियो है वो भी आप देखेंगे। और ये भाई साहब आए हुए हैं चिल्लई गांव से, ये सब्सक्राइबर हैं और बहुत बढ़िया हैं, ये मेरे से मिलने आए सभी हुई। क्या नाम है भैया आप? दीनदयाल यादव जी हैं जो चिल्लई गांव से आए हैं। तो फिलहाल में काम भी चल रहा है और यादव जी सब चर्चा भी करने में लगे हुए हैं। भाई साहब दौलत भैया निकाल रहे हैं DAP, ये सिडल में हमने इस तरह से DAP और धान को मिला दिया है क्योंकि हमें 1 एकड़ में पुराना है 8 किलो बीज, इसलिए हम DAP की मात्रा बढ़ा के ले रहे हैं लगभग 1 कट्टी DAP। उसके साथ ही यहाँ गौतम भाई ने ग्रो प्लस का भी इस्तेमाल किया, सल्फर है ये ग्रो मूर्ति, 90% बेंटोनाइट सल्फर भी ली है हमने इसमें धान में मिला दी है, है ना। और ये DAP वगैरह जो भी है उसको हम ले रहे हैं, ग्रो प्लस और DAP और ग्रो मोर, तीन चीज। अब भाई साहब देखना ये है कि ये दांते में, ये जो दांते हैं इनमें ये धान टूटे नहीं, बेल नहीं टूट रही यार, अच्छे से आ रही जो दिख रही है मुझे कैमरे में, दिख रही थी नहीं मालूम मुझे, नहीं टूटेगी, अच्छी बुआई हो जाएगी। और यहाँ हम सिडल में ही मिलाई करे ले रहे हैं। वो तो पूरा ही नहीं रहा, पूरी नहीं रहा वो वहाँ में जो हो गया भैया सिंगल, ये खेत अपना धान में 1979 धान बो रहे हैं अपन, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। और ये बिल्कुल सिडिल ऊपर ही ऊपर चला रहे हैं इसमें, उसके बाद भी आपको मैं बताऊं तो इधर बीच खेत में जाकर ये लगभग इसकी गहराई 3 इंच के लगभग में हो जा रही है बुआई की, है ना। ये धान इतनी गहराई में गिर रही है, ये देख सकते हैं आप, ये धान दिख रही है, ये इसकी मिट्टी से गहराई है लगभग 3-3.5 इंच गहरे में ये धान गिर रही है। इतना गहरा बोना तो नहीं चाहिए, 2 इंच पर्याप्त रहता है, पर ये सिडल जो है अपनी ऊपर ऊपर चल ही नहीं रही है। दौलत भैया आएंगे जब अपन देखते हैं सिडल में कितना बचता है, बचती है सॉरी, क्योंकि ये धान है। पूरा लगा दें पूरा, इसमें अब हम डालेंगे भाई साहब बेलर 32 और उसके बाद में हम देंगे इसमें पानी। और यहाँ पे दौलत भैया लगा रहे हैं पूरा जो कि हमसे नहीं लगा था, और इतनी बची है इसके अंदर अभी धान, तो हम इसको चौकी कर दे रहे हैं, 8 किलो बीज था ये। अभी ऐसे में ट्रैक्टर चला था, अब ऐसे में चला दे रहा है जहाँ तक भी।
तो भाई साहब अगर मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो बेलर बत्ती डालते का वीडियो आपको दिखा दूंगा। बाकी इसमें हम बेलर बत्ती डालेंगे, फिर पानी चलाएंगे और मैं आपको अब यही धान आज से 20-25 दिन के बाद बताऊंगा, या फिर जब हम इसमें खाद डालेंगे तब बताऊंगा कि इस धान की क्या कंडीशन है, बेलर बत्ती डालने से हमें क्या इसमें रिस्पॉन्स मिला है, मतलब फ़ायदा हुआ है इस धान में, जो कि डायरेक्ट बुआई वाली है जिसमें हम इमेजा थाइपर का उपयोग कर सकते हैं। इस धान का मैं आपको पूरा पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा शुरू से आखिरी तक, हर एक महीने या हर एक 25 दिन में हम जब भी खाद डालेंगे तब इसे दिखाएंगे और हम देखेंगे कि इस इतने टुकड़े में जो हमने 8 किलो धान की बुआई की है वो कितना उत्पादन देगी। तो भाई साहब यहाँ पर हो चुकी है धान समाप्ति, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और अपना ये जो खेत है ये चोखड़ी भी आधा हो चुका है 8 किलो धान में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भाई साहब अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं आपके लिए धान, सोयाबीन, मूंग वगैरह जो भी गेहूं है, इस प्रकार के जो भी अच्छे अच्छे वीडियो हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किसान क्या कर रहे हैं, किसानों ने कैसे अधिक उत्पादन लिया है, इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इन सभी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी।